स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हमारे सामने है सिंपल वन। जी हाँ, एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो काफ़ी टाइम पहले शोकेस किया गया था लेकिन आज फाइनली वो लॉन्च हो चुका है। जी आज हम बात करने वाले हैं सिंपल वन के बारे में। तो अभी हम आ गए हैं तमिलनाडु में सिंपल वन की फैक्ट्री में, जहाँ पे आज सिंपल वन को लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें हम प्राइस के बारे में, तो जब दो साल पहले इसको शोकेस किया गया था तब इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया गया था वो बताया गया था 110,000 रुपये, लेकिन आज जब ये लॉन्च हो चुका है तो इसका प्राइस हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये लॉन्च हुआ है 145,000 रुपये में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो प्राइस का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है, एंड अगर ऑलरेडी आपने इसको बुक कर रखा है तो क्या इस प्राइस इंक्रीमेंट के बाद आप अपनी बुकिंग को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने बुक नहीं किया है तो क्या आप इसको कंसिडर करेंगे 145,000 रुपये में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वॉक अराउंड को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डिटेल में सिंपल वन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है सिंपल वन की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे ORVMs के बारे में। तो आप देख सकते हैं यह है ORVMs। तो अभी फील एंड फिनिश इसकी थोड़ी सी मुझे लगता है और इम्प्रूव की जा सकती है, बाकी हाँ एडजस्ट आराम से हो पाएंगे। एडजस्ट करने में काफ़ी स्कूटी में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती है, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएंगी आपको। ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिशिंग में आपको यहाँ पर विंडशील्ड मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको बॉडी माउंटेड LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। लो बीम एंड हाई बीम दोनों आपको LED मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको वन की ब्रांडिंग मिलती है। नेक्स्ट बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप मिलेगा। एंड व्हील प्रोफाइल में आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो फ्रंट व्हील मिलता है वो मिलता है 90x12। तो 12 इंचेस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं 200mm के। आप देख सकते हैं अगेन मैग्मा ग्रे कलर फिनिशिंग में यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाता है। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं कम्प्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। यहाँ पे जो बैटरी पैक है उसके बारे में बात करें, तो सिंपल वन में आपको दो टाइप की बैटरीज मिलती हैं। एक बैटरी तो आपको फ्लोर माउंटेड मिलेगी, एंड जो सेकंड बैटरी है वो आपको बूट स्पेस के अंदर मिल जाती है, वो रिमूवेबल बैटरी है। बैटरी स्पेक्स के बारे में बात करें तो IP67 रेटेड 5 kWh का बैटरी पैक मिलता है आपको। एंड ये आप देख सकते हैं सीट, अगेन यहाँ पर डुअल टोन फिनिशिंग देने की कोशिश की गई है। तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, बाकी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ग्रैब हैंडल के बारे में बात करें, तो अगेन यहाँ पे एल्युमिनियम का आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। काफ़ी स्टाइलिश ग्रैब हैंडल है, लेकिन हाँ हो सकता है जब आप इसको पकड़ के बैठेंगे तो ये थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल लगे इस तरीके से। चलिए मैं आपको एक बार इसकी सीट ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बूट स्पेस, काफ़ी ब्राइट आपको LED लाइट मिलती है। एंड ये मैं बता रहा था आपको सेकेंड बैटरी पैक जो कि रिमूवेबल है। इस तरीके से आप इसको पुश करेंगे एंड ये बैटरी रिमूव हो जाती है, एंड इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे फुल फेस हेलमेट भी आप आराम से रख पाएंगे। एंड साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। रियर व्हील के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो रियर व्हील अगेन वो आपको 90x12 यानी कि सेम प्रोफाइल वाला ही रियर व्हील मिलने वाला है जो आपने फ्रंट में देखा था। बाकी आप देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पे आपको मोटर मिल जाती है जो 72 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। 190mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है यहाँ पे आपको रियर में। बाकी टेल लैंप्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्टाइलिश LED टेल लैंप्स। यहाँ पे बाकी सारे प्रोविज़न मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। तो देख सकते हैं सारी गार्ड। यहाँ पे जो स्विंग आर्म है वो भी इंडिजिनसली इंडिया में ही पेटेंट कराया गया है, डिज़ाइंड है। फुट स्टेप के बारे में बात करें, तो इंटीग्रेटेड फुट स्टेप मिलता है, ऑलरेडी आपने देखा है एथर में भी यही सेम डिज़ाइन दिया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, उससे पहले ये आप देख सकते हैं यह की सिंपल की मिलती है आपको सिंपल की। एंड मल्टी यूटिलिटी स्विच मीन्स
यहीं से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अपनी स्कूटी के साथ ही साथ यहीं से ही आप बूट को, इसको सीट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जाके आप देख सकते हैं मोटर ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड लाइक अभी आप देख सकते हैं 98% चार्ज है सिंपल वन। एंड चार मोड मिलते हैं, इको मोड पे 140 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। मोड आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं राइड मोड जहाँ पे 83 किलोमीटर की आपको रेंज मिलेगी। डैश मोड में 58 किलोमीटर की रेंज। एंड जो सोनिक मोड है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्पीड एंड पावर मिलेगी, उसमें जो रेंज है वो 98% पर सिर्फ 44 किलोमीटर की आपको मिलेगी। बाकी मिडल में आप देख सकते हैं डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ से आप बाकी सारी सेटिंग इसकी देख सकते हैं। ओनरशिप डिटेल्स आ जाएंगी, माई व्हीकल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। कस्टमाइज़ कुछ करना चाहते हैं आप तो इसकी थीम वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, एमरजेंसी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बात हुई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। बाकी हैंडल्स के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लो बीम, हाई बीम एंड पास लाइट के स्विच कंट्रोल्स मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर्स, ये हॉर्न। एंड राइट हैंड साइड आपको इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, ये मैंने दिखाया, ये जो दो मोड हैं यहाँ से आप राइड को चेंज कर सकते हैं। एंड ये आर बटन, बाकी यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना आप वेट टांग सकते हैं, क्योंकि अभी देखने में तो लग रहा है काफ़ी कम आप वेट टांग पाएंगे। एंड चार्जिंग पोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसका, यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट लग जाएगा। 750 वॉट का आपको होम चार्जर मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट एंड बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।